तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपको इससे पहले वीडियो में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई है हिडन की, और इसको चलाकर भी दिखाया है, काफ़ी कुछ टेस्टिंग दिखाई है इसकी। तो ये अल्ट्रा लो नॉइज चैनल है, 4 चैनल लाइन मिक्सर है, और ये अडेप्टर इसके साथ मिल जाता है हमें। तो अब इसमें हमारा जो एक मुख्य टेस्ट जो रह गया है मेन, वो करना बाकी है, तो उसे करते हैं। तो टेस्ट कौन सा है तो मैं बता दूं आपको। ज़्यादातर लोग क्या है, इसको एक एफएल स्टूडियो में चलाने की सोच रहे हैं कि एफएल स्टूडियो में काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, या बैंड लैब में काम करेगा नहीं करेगा। तो मेरे पास एफएल स्टूडियो सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल है नहीं फ़ोन में, वो तो लैपटॉप में चलता है। तो मैं क्या करूँगा, आपको बैंड लैब में चला कर दिखाऊँगा, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन, एफएल स्टूडियो हो गया, बैंड लैब हो गया, जो भी जितने भी जो म्यूजिक मेकर एप्लीकेशन होते हैं, सब एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं आपको बैंड लैब में चलाकर दिखा दे रहा हूँ, और अगर उसमें चल गया तो समझ लो सब में चलेगा। तो मैं इसे चलिए देखते हैं आपके सामने ही कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं इसे सप्लाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसमें ये वाली माइक यूज नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाली माइक अच्छी नहीं रहती है वॉइस रिकॉर्डर के लिए स्टूडियो के हिसाब से। तो उसके लिए ये बोया माइक बढ़िया रहेगी, क्योंकि ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, और कंडेंसर माइक्रोफोन अगर चल रहा है इसमें तो समझो आपका स्टूडियो एकदम ओके हो गया। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ इनपुट में, किसी भी एक लेवल में डाल लेता हूँ, तो सही। चलिए मैं इसका वॉल्यूम अच्छा है लाइन इनपुट 2 में लगा लेता हूँ, और इसको लगाता हूँ आउट इनपुट पे, और देखते हैं। तो इसमें अभी करंट आ चुका है, शो हो चुका है। तो इसको, इस केबल को मैं आउटपुट से लगा दे रहा हूँ। ये आयरिंग वाली केबल है, आयरिंग तो आपको लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये आयरिंग वाली केबल है जिसको मैं यहाँ आउटपुट पे लगा दे रहा हूँ इस तरह से। और आयरिंग लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पर अपने फ़ोन में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आयरिंग लगाने के बाद। अब मैं खोलता हूँ अपना बैंड लैब एप्लीकेशन। तो दोस्तों, मैंने अपना बैंड लैब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, और इसे अब मैं ओपन ओपन स्टूडियो करके एक ट्रैक ओपन कर ले रहा हूँ, और इसके बाद ही पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए, अब मैं इसको क्या करूँगा, वॉइस ऑडियो पर क्लिक कर ले रहा हूँ, और उसके बाद ओके नाउ पर क्लिक कर ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं इस माइक को देखना, आपको कैमरा वाले ऑप्शन पर सेट करना है, अगर आप कंडेंसर माइक्रो चला रहे हैं बोया की या कोई किसी और को, तो कैमरा वाले ऑप्शन पर सेट करना। तो ये रिकॉर्ड तो कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, आवाज़ काफ़ी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। और मैं इसको भी एक बार देख रहा हूँ कि किस वाली से रिकॉर्डिंग की जो लाइन है वो ज़्यादा ऊपर आ रही है। एक बार इसको मैं देख लेता हूँ लाइन इनपुट में डाल। हेलो 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 हेलो, ये काफ़ी पास से बोलने पड़ रहा है, और इसमें काफ़ी दूर से काम चल रहा है। हेलो 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 हेलो, तो मैं इस वाली को भी बंद कर दे। हेलो हेलो, ये देखिए, ये भी काफ़ी सही से वर्क कर रही है इस वाली। तो मैं एक बार कंडेंसर माइक्रोफोन के चेकिंग कर करके दिखा दे रहा हूँ। तो हेलो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ एक बार। अब मैं एक सॉन्ग को रिकॉर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। देखिए, अब मैंने इसे को रिकॉर्ड कर लिया है, और अब मैं इसको सुन के देखता हूँ एक बार कैसी रिकॉर्डिंग हुई है। तो दोस्तों, आप अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ से आप परचेस करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। प्राइस वगैरह तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस माइक्रोफोन से तो काफी साफ आवाज हो रही रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मैं इतनी दूर से पकड़ रहा हूँ इसे, पास से नहीं पकड़ रहा, इतनी दूर से पकड़ रहा हूँ, तो अच्छी आवाज हो रही है रिकॉर्डिंग। लेकिन इससे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं देखिए इससे भी रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ एक बार, और इसको लगा देता हूँ इस तरह से।
चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। देखिए अब मैं इसको भी सुन रहा हूँ एक बार कि कैसी है, इसकी रिकॉर्डिंग हुई। तो दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए चाहे आप इससे रिकॉर्ड करो, इसमें थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है इसके मुकाबले, क्योंकि ये जो माइक्रोफोन है इसमें देखिए छोटा सा माइक्रोफोन है और कंडेंसर तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसका सेल भी फूका हुआ है, डाउन सेल हो गया है, क्योंकि जब से ये लिया है हमने, माइक्रोफोन परचेस किया है तब से हमने इसमें सेल नहीं डाला है कोई भी। तो अगर आप नया माइक्रोफोन लेते हैं या इसमें सेल चेंज कर लेते हैं तो इतनी दूर से ये काफ़ी दूर से आपकी आवाज़ पकड़ लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा और आप बेहतर तरीके से इसके साथ ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। वरना आप चाहें तो कंडेंसर माइक्रोफोन ले सकते हैं, वो भी इससे इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा। तो दोस्तों कंडेंसर माइक्रोफोन अगर लेना चाह रहे हैं तो आपके आपको एक अलग से फैंटम पावर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कंडेंसर माइक्रोफोन इसमें फैंटम पावर नहीं दिया है। तो कंडेंसर माइक्रोफोन है 48 वोल्ट फैंटम पावर से ही ऑपरेट होता है, तो उसके लिए आपको फैंटम पावर लेना पड़ेगा पड़ेगा अलग से, वो भी 1500 रुपये का मिलता है, तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। और उसके बाद आप इसको कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ चला सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। इस मिक्सर की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद आप फोन में ही अपने बैंड लैब या एफएल स्टूडियो में ही अपने इफेक्ट लगाकर अपने सॉन्ग को एक प्रोफेशनल सॉन्ग में बदल सकते हैं आप एडिटिंग के द्वारा। तो इसमें सब कुछ कर सकते हैं आप, जो भी इफेक्ट वगैरह है वो सारे मिल जाते हैं आपको, चाहे एप्पल स्टूडियो हो, चाहे आपका ये बैंड लैब एप्लीकेशन हो या कोई भी स्टूडियो ऐप हो, ठीक है, सब में ही ये काम करेगा। तो आपको अगर चाहूँ तो मैं एक इसमें इफेक्ट वगैरह लगा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं एक रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ इसको, तो मैं बोया माइक से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, क्योंकि इससे ही दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग करके। इसको हटा दे रहा हूँ एक बार, वरना आप ये करो इससे ही कर ली। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तो अब मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है और मैं आपको इसमें जो भी इफेक्ट वगैरह है वो लगा कर दिखा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कोई भी नॉइज नहीं मिल रही है देखने को, और बहुत ही बेहतरीन ये काम कर रहा है। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और भी इसी तरह की वीडियो बना के दिखाते रहें। या और दोस्तों आप हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।